आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड पे, जो मौजूदा समय में 398 पे कामकाज कर रहा है। 6 महीने पहले का अगर आप डेटा देखते हैं तो 6 महीने पहले भी इस कंपनी में गिरावट ही नज़र आई है, और साल भर पहले का भी अगर डेटा देखते हैं तो उसमें भी गिरावट लगभग 40%। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, 40% की गिरावट, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप कंपनी में साल भर या 5 साल का डेटा हम देख लेते हैं एक बार, तो 5 साल पहले कंपनी में 80% का एक मुनाफा ज़रूर नज़र आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कंपनी में निवेश अगर करना है तो आपको बड़े सचेत तरीके से करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना ही चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 430 का एक टारगेट रख सकते हैं अगले 4 से 5 महीने के लिए। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट साबित हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको सीधा सीधा यहाँ पे 750 का एक टारगेट रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा अगले 5 साल तक के लिए। आइए कंपनी के कुछ हम और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2 ट्रिलियन का है, 2.18 ट्रिलियन का है। पी रेशियो बहुत शानदार दे रहा है, 18.90 दे रहा है, और इसका डिविडेंड यील्ड अभी फ़िलहाल ये 1.51% दे रहा है। इसी के साथ अगर कंपनी का हम रेवेन्यू देखते हैं तो पिछले बार से रेवेन्यू इस बार ज़्यादा है, लगभग 215 बिलियन का रेवेन्यू है। नेट इनकम इनका 25.64 बिलियन का है। इसी के साथ अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका अब फिलहाल ज़्यादा चल रहा है, मतलब कंपनी खर्चा ज़्यादा कर रही है। 28.71 बिलियन का है, जो लगभग 21% के साथ बढ़ोतरी पे है। नेट इनकम देखेंगे तो 25.64 बिलियन का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 11.91 का है, जो फिलहाल 32% घट के व्यापार कर रहा है। अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे तो 4.67 का है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ के लगभग 5,800% बढ़ के कामकाज कर रहा है। इबिट्टा भी इनका अच्छा खासा है, लेकिन माइनस में फिलहाल है, -2% में है 37.12 बिलियन के साथ। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी विप्रो लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंपनी टेक सेक्टर में है और इसमें फ़िलहाल कंपनी हर जगह मंदी नज़र आ रही है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। थेरी डेलपोटे ये उनके CEO है, और ये लगभग 29 दिसंबर 1945 से कंपनी शुरू हुई थी, और इसमें लगभग आज के समय में 298,574 लोग इसमें कामकाज कर रहे हैं।